तो मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है? होपफुली सब बढ़िया होगा। तो फिलहाल मेरा क्राउन 2 हो चुका है। आप लोग का रैंकिंग टीयर क्या चल रहा है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आज का अपना टारगेट रहेगा इस लगाने का, देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं। बाकी आपको स्टार्टिंग में जो इंट्रो देखने को मिला होगा ना भाई, एकदम ही तबाही था। अगर आपको मज़ा आया हो ना तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मेरे को समझ में ये नहीं आया कि ये बंदा अभी फिनिश रैंकिंग में नंबर 3 पर बैठा हुआ है, और अगर आप इसके पॉइंट्स भी देखोगे ना तो भी इसके पॉइंट्स 5200, लेकिन ये बंदा लीडर बोर्ड में क्यों नहीं दिख रहा? अगर इसके पॉइंट्स के हिसाब से देखा जाए ना तो ये बंदा अभी #3 पे हो सकता है, लेकिन इसकी KD पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 27 की न्यू सिस्टम के हिसाब से, और ओल्ड सिस्टम के हिसाब से देखोगे ना तो ऑलमोस्ट बाई 60 की KD है बंदे की। तो मतलब मेरे को ऑलमोस्ट ये समझ में नहीं आया कि बंदा जो है ना वो टॉप लीडर बोर्ड में क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसके पॉइंट्स है जिस हिसाब से इसके पॉइंट्स है इस हिसाब से तो यार बंदा लीडर बोर्ड में होना चाहिए। अगर आपको इसके पीछे का रीज़न पता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी ये बंदे को आज अपन ने पेला है, किस लेवल का नूब था बंदा ये तो आप समझ ही सकते हो, क्योंकि यार बंदा भाई कुछ मतलब आगे पीछे देखे भी नहीं, भाई बग्घे के नीचे आ जाते तो जो ही मेरे को स्वाद आया था ना वो टाइम पे, मतलब मैं इतनी देर तक हंसा था ना क्या ही बताऊँ। और ये चीज़ देखने के बाद, इंट्रो देखने के बाद आप भी इतने टाइम तक हंसोगे ना वो भी मेरे को पता है। बाकी आज के वाले गेम की बात करें ना, देखो अपने पास एक फ्लेयर आ रखी थी तो BRDM मंगा ली थी अपन ने, अभी के लिए अपने पास एक ही किल था, 22 बंदे अलाइव थे। इधर फोर्थ जोन या फिफ्थ जोन, मतलब फोर्थ जोन बन चुका था और मेरे को जोन के अंदर आना था। जोन के अंदर फिलहाल के लिए अपन आ चुके थे, एक अच्छी पोजीशन मिल चुकी थी, आसपास में कोई भी बंदा नहीं था, तो मैं डिसाइड किया कि अभी के लिए तो मैं ये वाली जगह पे होल्ड करूंगा। जब तक कि यहाँ से जोन शिफ्ट नहीं होता किसी को भी उंगली नहीं करेंगे, चुपचाप यहाँ पे बैठे रहेंगे। जब भी आपके पास BRDM आए ना मेक श्योर करो कि अगर आपको लगे कि भाई कन्फर्म ये किल निकाल ही सकते हो तो ही उतर के मारने का ट्राई करना, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम उतर के किसी को मारने का ट्राई करोगे और फिर कहीं और से तुम पे स्प्रे आएगा और तुम्हारा गेम वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। बाकी अभी के लिए देखो अगला जो जोन था ना वो इधर बन चुका था, राइट साइड में एक शैक पे बंदा था जो कि मेरे को इधर गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि अभी आप देखोगे ना ये बंदा वो शैक में बैठे बैठे इतने किल करने वाला है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मैं चेक तो नहीं कर पाया ये बंदे की, मतलब स्टैट्स चेक नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं आपको कंफर्म बताता कि बंदा हैकर है कि नहीं। बाकी अभी ये बंदा किस तरह से बंदों को किल करने वाला है ना वो बस देखते जाओ, ये बंदा किस किस तरह से पीलता है बंदों को, और अपन इसको किस तरह से पीलने वाले हैं ना वो भी देखना। अभी के लिए सामने वाले शैक पे 2 बंदों की फाइट हो रही थी, मैं इधर थर्ड पार्टी करके दोनों बंदों को मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन दूसरा जो बंदा था ना वो इधर यार पहले बंदे को मार देता है और जो बचा हुआ था उसको अपन निपटा देते। अभी ये बंदा देखो कहाँ से बाहर निकल निकल के कहाँ कहाँ किल करने वाला है ना वो देखना। अब भाई हैकरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि वो यार बिना देखे आगे पीछे देखे भी नहीं कहीं पे भी मारने लगते, क्योंकि उन लोग के पास हैक्स रहते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते। बाकी ये बंदे को मारने के बाद ये जो जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, वही टाइम पर मैं बंदे का ID भी सर्च करता हूँ, और डेफिनेटली यार अपन कभी झूठ बोलते नहीं, बंदा हैकर था। 28 लेवल की ID थी, 6 का KD था, और मतलब समझ सकते हो फिर आगे का तो क्या ही कह सकता मैं। अभी के लिए देखो जोन स्टार्ट हो चुका था, मेरे आगे एक ड्रॉप पड़ा हुआ था तो मैं ड्रॉप लूटने आ जाता हूँ। सामने की साइड में कोई एक बंदा ओपन में भागते हुए दिखता है, अब यार यहाँ पे मैं BRDM से इसीलिए उतरता हूँ क्योंकि मेरे को पता था कि बंदा जो है ना वो एकदम ही आसान किल है, तो यार इसको भाई एकदम ही फ्री का किल जाने नहीं दे सकते। बाकी वो बंदे को निपटाने के बाद थोड़ा आगे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक और फ्री का किल मिल जाता है। अभी के लिए इधर जोन के अंदर 2 बंदे बचे थे, एक बंदा इधर घरों पे था और दूसरे बंदे का मेरे को नहीं पता था। अभी के लिए इधर मैं जोन के अंदर पहुंच ही चुका था, लेकिन देखो अभी इधर दूसरा बंदा कहाँ पे स्पॉट होता है।
अब जो सेकंड लास्ट बंदा था वो इधर राइट साइड में बग्गी के पीछे लेटा हुआ था, तो आराम से उसको निपटा दिया। अपनी इधर बीआरडीएम ऑलमोस्ट फूट ही चुकी थी, तो मैं इसको पूरा ही फोड़ देता हूँ। अभी तक सीन क्या था, सामने साइड जो बंदा था ना वो इधर जोन के अंदर था, उसके पास कोई भी व्हीकल नहीं थी, उसको अगर जोन के अंदर आना है तो पैदल ही यार स्मोक वोक करके आना पड़ेगा। और बंदा अभी जो ही खतरनाक वाली स्मोक वोल बना के जोन के अंदर आता है ना, लेकिन ये स्मोक वोल ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगी। जब तक स्मोक रहेगा तब तक बंदा बचेगा इधर, लेकिन जैसे ही यार स्मोक हटेगा बंदा पूरा ओपन में हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास एक ठोस कवर नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये टाइम पे बंदे के पास एक व्हीकल भी रहता ना तो भी कुछ काम में आता, लेकिन अभी के लिए बंदा पूरा का पूरा ओपन में हो चुका था। जैसे इधर स्मोक हटता है बंदा इधर पूरा का पूरा ओपन में मेरे को स्पॉट हो जाता है, आराम से ये बंदे को किल करते हैं। अभी ये वाले गेम में अपने को 36 का प्लस मिला था। बाकी बात करते हैं ये वाले गेम की, तो देखो ये गेम में भी अपने पास बीआरडीएम आ चुकी थी, इसमें भी मेरे को एक फ्लेयर मिली थी, तो मतलब ये गेम में भी बहुत मजा आने वाला है। फिलहाल के लिए अपन जोन के अंदर आ चुके थे, यहाँ पे आके थोड़ी देर अपन होल्ड लगा रहे थे, और अभी इधर मेरे को एक बग्गी का साउंड आता है। यहाँ पे मैं तुरंत ही उतर के बंदे पे स्प्रे लेता हूँ, लेकिन बंदा जो था वो इधर बच के आगे साइड चला जाता है, तो मैं सोचा कि इसका पीछा करके इसको मारने का ट्राई करूंगा मैं। थोड़ा आ गया था वो बंदा इधर मेरे मुंह पे आके, भाई बग्गी चला रहा था तो आराम से इसको किल कर देते। अभी ये वाले गेम में केजीएफ नाम का हैकर था, तो मेरे को वो हैकर से बदला भी लेना था, क्योंकि इससे पहले वाले गेम में वो हैकर ने मेरे को मारा था। तो आगे जाके अभी फाइट होती कि नहीं होती वो तो आपको आगे देखने के बाद पता चलेगा। फिलहाल के मेरे को ये बंदे को लूटना था, तो मैं थोड़ा बीआरडीएम को एक कवर की तरफ बना के यहाँ पे ये थोड़ी सी साइड में रुक के भाई बंदे को लूटता हूँ। और जैसे यहाँ से जोन स्टार्ट होता है तो अपन जोन के साथ निकल लेते। अभी के लिए यार इधर मैं जोन के एज पे होल्ड करना चाहता हूँ, तो आ जाता हूँ ये वाली जगह पे। यहाँ पे जैसे आता हूँ मेरे को एक बंदा दिखता है, जो कि यार मेरे को देख के भागने का ट्राई करता है, आराम से उसको किल करते। उसके बाद पीछे की साइड से एक और बंदा ओपन से भाग के आ रहा था, और ये जब तक ये बंदे को मारता हो वो हैकर को कोई और ही बंदा निपटा देता है। तो अभी के लिए हैकर फ्री गेम हो चुका था, जितने भी बंदे बचे थे ना गेम में वो सारे के सारे लेजिट बचे थे। तो सबसे पहले तो मैं इधर हील वील मारता हूँ, और जोन भी अपने पे ही था, तो अभी के लिए अपने को यहाँ से कहीं पे भी जाने की ज़रूरत थी नहीं। अब देखो अभी के लिए यहाँ पे मैं होल्ड कर ही रहा था कि सामने की साइड से एक बंदा मेरे को जोन के अंदर आता हुआ दिखता, लेकिन मैं बंदे को मारता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता था कि पत्थर पे एक और बंदा है, अगर दोनों की फाइट हो जाती है तो मैं जाके थर्ड पार्टी करूँगा। और ऐसा ही होता है, जोन के बाहर से जो बंदा रहता है ना वो इधर इसको मार देता है, तो मैं उस पर जाके बीआरडीएम चढ़ा देता। अभी के लिए इधर जोन के अंदर मैं आ चुका था, मैं अकेला इधर जोन के अंदर था, सामने साइड जितने भी बंदे थे ना वो इधर जोन के बाहर थे, तो अपने पास एक बड़ा सा एडवांटेज था अभी के लिए। अभी के लिए जोन के बाहर जो बंदा था ना वो इधर कूदने लगता है, लेकिन बार मैं मीटअप के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि तुम लोग को पता ही है कि एक दो दिन पहले मेरे साथ क्या हो रखा है। अभी इधर एक और बंदा बचा था, जो कि इधर सामने वाले पेड़ पे था, जो बंदा था ना वो इधर जैसे तैसे मेरे स्प्रे से तो बच जाता है, लेकिन अगला जो जोन था ना वो भी इधर मेरे पे बन चुका था, लेकिन बंदा इधर सामने की साइड डैमेज था वो इधर मेरे को पता था, तो मैं इस पर सीधा रश कर देता हूँ।
और यार बिना गोली चलाए ये बंदे के ऊपर अपन बीआरडीएम चढ़ा देते, आराम से बंदे को किल कर देते। अभी ये वाली गेम में भी मैं यार जो इतना प्लस मिला ना वो इधर रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन मेरे को 35 का प्लस ये वाली गेम में भी मिल चुका था। सो बस ये था इसके लिए गेम प्ले। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर कैसे भी नया करो चैनल को सब्सक्राइब तो मार ही देना, एंड अगर वीडियो को ज्यादा पसंद है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस। Again.